ए वॉम गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 9 की, जिसका टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आइए समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, तो ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा। जो व्यापार है, व्यापार का तात्पर्य है वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से हम व्यापार को समझते हैं। व्यापार के लिए दो चीज़ों का होना महत्वपूर्ण है, एक आपका जो बेचता हो यानी निर्यातक, और जो दूसरा आयातक या जो से खरीदता हो। बात करते हैं व्यापार दो स्तरों पर किया जाता है, एक राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर का मतलब यह है कि एक राष्ट्र के अंदर जो व्यापार करा जाता है वो हम उसे राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जैसे उत्तराखंड में कुछ चीज़ें बनी हैं, उस चीज़ों को हम मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में बेच रहे हैं, या फिर वहाँ से कुछ बनी हुई चीज़ों को खरीद रहे हैं, तो यह इस प्रकार का व्यापार क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा, क्योंकि किसी एक देश के अंदर ही हो रहा है। अरे यही हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, यानी एक देश से दूसरे देश में किसी भी सामान का या आयात हो या फिर उसका निर्यात हो, तो ये इस प्रकार का व्यापार कहलाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश में चीज़ों को बेचना या फिर खरीदना, वो कहलाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। समझते हैं कि जो व्यापार है, व्यापार आज से नहीं चला आ रहा, बहुत सालों पहले से चला आ रहा। जो हमारी आदिम जनजाति हुआ करती थी, आदिम जो जनजाति थी वो हमारी विनिमय व्यापार को अपनाती थी। विनिमय व्यापार का मतलब ये था कि उस समय वस्तुओं का वो आदान प्रदान करते थे। आदान प्रदान का मतलब ये है कि भैया जब अगर वो जो आदिम जनजाति होती थी, अगर उसने कुछ चीज़ बनाई है और उसे वो दूसरे को दे रही है, तो उसके बदले उससे रुपए नहीं लेगी, उसके बदले वो कह लेगी उससे उसकी जो आवश्यकता को जो पूर्ति करती हो उस प्रकार की वस्तु को लेगी। ठीक है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लेगी वो, ठीक है, वस्तु ही लेगी, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान। अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, आज भी हमें यह प्रथा देखने को मिलती है। असम में गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जोगी रोड में एक जॉनविल मेला लगता है, जॉनविल मेला लगता है, जो आज भी हमें विनिमय प्रणाली का प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण देखने को मिलता है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास की, तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो इतिहास है वो आज से नहीं, हजारों साल पहले से चला आ रहा है। ये उस समय की बात करें जब रेशम मार्ग हुआ करता था। जो रेशम मार्ग के अगर हमको रूट की बात करें, तो यूरोपीय के जो वासी हुआ करते थे, तो वह अपने साथ आपके बहुमूल्य रत्न रुपए लेके जब चलते थे, तो ईरान, भारत और जब मध्य एशिया से जाते हुए जब चीन पहुंचते थे, तो चीन से रेशम खरीदते थे। ठीक है, तो रेशम जो है मुख्यतः आपके यूरोपवासी के जो रानी महारानी हो गए थे, उनको मुख्यतः रेशम की बनी हुई सिल्क साड़ियाँ मुख्यतः उस समय उनके पसंदीदा थे। तो जो ये यूरोपवासी थे तो चीन से रेशम खरीदते थे। तो उस समय से जो हमारे यह व्यापार है चला आ रहा है। धीरे धीरे 15वीं शताब्दी अगर हम बात करें, तो 15वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। और उपनिवेशवाद में क्या हुआ कि दूसरे देशों को अपने गुलाम बनाना या अपने अधीन करना, इस प्रकार की प्रथा आई और एक नई व्यापार का उदय हुआ। और उस व्यापार को जो स्वरूप मिला वह है दास व्यापार का। फिर धीरे धीरे और हम आगे बढ़े, 19वीं शताब्दी के जब हम पहुँचे, तो 19वीं शताब्दी में व्यापार ने एक अन्य रूप ही परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर प्राथमिक की जगह औद्योगिक क्षेत्रों की ओर व्यापार का जो है उन्मुख हुआ। बात करते हैं आगे अगले टॉपिक का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है। भैया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में इसलिए है कि जो हमारे व्यापार है वो विश्व के आर्थिक आर्थिक आधार बन चुका है। ठीक है, एक देश जो है वो अन्य देश पर भी निर्भर इसलिए बन गया है क्योंकि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ के जो उद्योग हैं या फिर वहाँ के जो क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों से जो है वो अपने को बचा नहीं पाया है एक देश। ठीक है, इसलिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना या फिर वहाँ की टेक्नोलॉजी को, उनके संचार माध्यमों को या फिर वहाँ के औद्योगिक प्रणालियों को या फिर वहाँ के, अगर हम बात करें वहाँ के मशीनरों से, ठीक है, उन मशीनरों की प्राप्ति हेतु आज भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो बना आया हुआ है। ठीक है, दूसरे देशों की जो संसाधन है उन संसाधनों को अपने वहाँ लाना या फिर अपने वहाँ के संसाधन को दूसरे देशों में बेचना आय की दृष्टि से, ठीक है, लाभ की दृष्टि से, तो उसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज अस्तित्व में बना ही हुआ है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार के बारे में, तो मुख्यतः तो जो आधार की हम बात करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा, तो राष्ट्रीय संसाधन में भिन्नता। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन में भिन्नता से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो विभिन्न राष्ट्र है वहाँ के भूदृश्य, वहाँ के उच्चावच या वहाँ की बनावट या रूपरेखा के आधार पर अलग अलग संसाधनों का वितरण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जितने अधिक संसाधन होंगे वह देश उतना ही उच्च अधिक विकसित जो है देश की एक श्रेणी में आएगा,
और हमेशा ही व्यापार की ओर उन्मुख होगा, दूसरे देशों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है, और एक विकसित देश की ओर क्या होगा, अग्रसर होगा। बात करेंगे जनसंख्या कारक, जनसंख्या कारक भी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण एक पक्ष रखता है, ठीक है। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व होने से वहाँ के लोगों की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज एक महत्वपूर्ण पक्ष बना हुआ है। बात करते हैं आर्थिक विकास की प्रवस्था, आर्थिक विकास की प्रवस्था भी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। विदेश निवेश की सीमा, विदेश निवेश की सीमा अक्सर आपने सुना होगा FDI शब्द है, ठीक है, FDI, ठीक है, जो दूसरे देश हैं वो FDI के तहत विकासशील देशों में पूंजी को लगाते हैं, जिससे देशों जो FDI लगा रहा है उस देश को भी लाभ होगा और दूसरे देश को भी लाभ होता है, ठीक है। तो विदेश निवेश की सीमा भी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है, जिससे आय का एक उच्च स्तर की प्राप्ति होती है। बात करते हैं परिवहन के बारे में, तो जो परिवहन है, परिवहन भी एक महत्वपूर्ण पक्ष रखता है आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। परिवहन की उच्च सुविधा से क्या होगा कि जो हमारा विनिर्मित सामान है उसको हमारे कम दरों पर और आसानी से एक देश से दूसरे देश में पहुँचाने के लिए हमारे जो परिवहन है वो महत्वपूर्ण पक्ष रखते हैं, ताकि जो है व्यापार सुचारू रूप से चल सके। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो महत्वपूर्ण तीन पक्षों की यहाँ पर बात होती है, एक होती है आपके व्यापार का परिणाम, ध्यान से सुनिएगा, व्यापार का परिणाम, दूसरा है व्यापार संयोजन, और तीसरा है व्यापार की दिशा। आइए चर्चा करते हैं व्यापार संतुलन के बारे में, अगला जो हमारा टॉपिक है। व्यापार संतुलन जो होता है वो एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात या निर्यात करने की एक प्रथा जो है वो व्यापार संतुलन है। समझते हैं उदाहरण के द्वारा, जैसे एक देश है उसने 1,000 रुपये की कोई चीज़ है बेची है, ठीक है, निर्यात करा है, और अब उससे कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो उसके पास नहीं है, उसने 500 रुपये में खरीद ली है। तो यहाँ पर को क्या होगा, यहाँ पर को हमारा जो व्यापार होगा वह अनुकूल होगा, क्योंकि बेची तो 1,000 की चीज़ है और चीज़ एक दूसरी जो वस्तु खरीदी है वो 500 में खरीदी है, तो यहाँ पर अनुकूल व्यापार होगा, यानी धनात्मक व्यापार होगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं अगर कोई देश जो है उसने 1,000 रुपये की चीज़ बेची है और अपने कुछ ऐसी चीज़ें जो उसका आवश्यकता है उसको 2,000 में खरीदी है, तो यहाँ पर को क्या होगा, यहाँ पर को ऋणात्मक व्यापार होगा, ठीक है, यानी प्रतिकूल व्यापार होगा। कैसे होगा प्रतिकूल, क्योंकि देखो 1,000 में तो उसने अपनी चीज़ को बेची है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उसने 2,000 की चीज़ को खरीद ली है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1,000 का नुकसान हुआ ना, तो ये क्या होगा, हमारा प्रतिकूल व्यापार होगा। बात करते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों की, तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक द्विपार्श्विक व्यापार होता है और दूसरा बहुपार्श्विक व्यापार होता है। द्विपार्श्विक व्यापार को समझते हैं जल्दी से, तो द्विपार्श्विक जो व्यापार होता है इसमें किसी देश के साथ पहले से ही ये बना लिया जाता है कि भैया जो हम चीज़ बना रहे हैं उसको आप खरीदोगे, तो जब उसकी हामी भर ली जाती है तो इस प्रकार का व्यापार किया जाता है, ये द्विपार्श्विक व्यापार होता है, यानी किसी एक वस्तु के लिए पहले से ही एग्रीमेंट करना वो हमारा द्विपार्श्विक होता है कि भैया हम ये चीज़ें बना रहे हैं आप इसे खरीदोगे, हाँ भैया खरीदेंगे, ठीक है भैया, तो इस प्रकार का व्यापार जो द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। बहुपार्श्विक व्यापार का मतलब यह है कि किसी एक चीज़ से संबंधित नहीं है, तो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के आयात निर्यात से संबंधित जो व्यापार होता है हम उसे बहुपार्श्विक व्यापार के अंतर्गत समझते हैं। आइए बात करते हैं हम मुक्त व्यापार की, तो मुक्त व्यापार का मतलब यहाँ पर यह है कि व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने की जो प्रक्रिया है उसे हम मुक्त व्यापार के अंतर्गत समझते हैं, यानी व्यापार को उदारीकरण के रूप में समझा जाता है, ठीक है। उदारीकरण का मतलब है कि जो व्यापार में जो सीमा शुल्क है उसको घटा लिया जाता है या फिर उसे कम कर दिया जाता है, और जो व्यापार में आने वाली जो असुविधा है उनका निराकरण कर दिया जाता है, तो इस प्रकार का जो व्यापार कहलाता है वो मुक्त व्यापार कहलाता है। समझते हैं डंप करना क्या होता है, लागत की दृष्टि से नहीं बल्कि वरन आपके भिन्न भिन्न कारणों से, भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग की अलग अलग कीमत की वस्तुओं को दो देशों के बीच में निर्यात करना ही क्या कहलाता है, वो डंप करना कहलाता है। आइए समझते हैं विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो 1948 में GATT यानी आपके जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक नाम से स्थापना हुई थी, गार्ट नाम से 1948 में इसकी स्थापना हुई। बाद में 1995 में जो है यह
WTO के नाम से जाना जाने लग गया। 1995 में WTO के नाम से जो है वो गाट अस्तित्व में, पहले तो 1948 में इसकी स्थापना गाट नाम से हुई थी और 1995 में WTO के नाम से यह जाने जाने लगा। ठीक है, इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और भारत जो है इसका एक सदस्य जो है संस्थापक राष्ट्र के रूप में बना। बात करते हैं जो हमारे प्रादेशिक व्यापार समूह हैं, जो प्रादेशिक व्यापार जो हमारे समूह बने हैं वो भिन्न भिन्न, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर अन्य तरीके से इन्होंने अपना संगठन बनाया है ताकि व्यापार को अच्छे से सुचारू रूप से चला सके और एक सुविकसित व्यापार को उन्मुख करे। तो हम यहाँ पर मुख्यतः प्रादेशिक व्यापार समूह के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आसियान की बात करते हैं, जो हमारा आसियान है इसका मुख्यालय जकार्ता में है। ठीक है, जकार्ता यानी इंडोनेशिया में आपका है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य राष्ट्रों की अगर हम बात करें तो ब्रुनोई, इंडोनेशिया, आपके मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। बात करते हैं अगला जो संगठन है ओपेक। ओपेक की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग आपकी कंट्रीज, इसकी फुल फॉर्म है, मुख्यालय वियना में है और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, 1949 में। आइए बात करते हैं अगला संगठन है साप्ता। साप्ता की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसकी फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। बात करते हैं अगले टॉपिक की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो मामले, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो किसी राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष रखता है, उसके लिए लाभदायक होता है, लेकिन कहीं कहीं पर यह हानिकारक भी हो सकता है। कब हानिकारक हो सकता है? जब एक राष्ट्र पूर्णतः दूसरे राष्ट्र में बिल्कुल से ही समर्पित हो गया है या फिर उसी पर निर्भर हो गया है या फिर दूसरा देश उसको अपनी गुलामी या फिर अन्य प्रतिबंधों उस पर लगाता है, तो उस समय यह क्या है, ऋणात्मक की ओर उन्मुख होता है। बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के और अगला लास्ट टॉपिक है आज का, पतन जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार, अगला हमारा टॉपिक है। समझते हैं पतन क्या होता है। पतन जो है अंग्रेजी की पोर्ट से बना है। ठीक है, लैटिन भाषा के पोर्टा से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका जो अर्थ है वो द्वार होता है। ठीक है, द्वार का मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी के अंदर हम प्रवेश करना और वहाँ से बाहर निकलना एक द्वार होता है। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में मुख्य जो प्रवेश द्वार है, द्वार वो क्या है, हमारी पतन ही है। ठीक है, इन्हीं पतनों के द्वारा जो है जहाजी जो माल है तथा जो यात्री हैं विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। अगर हम बात करें पतनों के प्रकार के तो मुख्यतः हम इनको अलग अलग भागों में बांटा है। अगर हम नौभार की दृष्टि से देखें तो तीन प्रकार के पतन हैं हमारे, औद्योगिक पतन, वाणिज्यिक पतन और विस्तृत पतन। अगर हम अवस्थिति के आधार पर देखें तो दो प्रकार के पतन हैं, अंतर्देशीय पतन और बाह्य पतन। हम बात करें विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पतनों को हमने बांट रखा है, तेल पतन, मार्ग पतन, पैकेट पतन, आतरपू पतन और नौसेना पतन। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी तक पहुंचाएं। जो भी हमारे NCERT से संबंधित जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, घर पर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है कि आप लोग लगातार वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लगता है। हमारे द्वारा जो वीडियो बनाई जाती हैं आप उसको देखते हैं, निश्चित तौर पर आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही आशा है।